कि ईओयू की जांच में खुलासा हुआ है कि हजारीबाग से ही नीट का पेपर लीक हुआ था। हजारीबाग में ओएसएस स्कूल से पेपर लीक किया गया, तो ऐसे में पुलिस ने जांच करते हुए जिले में बनाए गए अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर छानबीन की है और इस दौरान परीक्षा केंद्र पर मौजूद शिक्षक, प्रिंसिपल और दूसरे कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है। लीक स्कैम में सबसे सनसनीखेज पर्दाफाश झारखंड के हजारीबाग में हो रहे हैं, जहां पेपर लीक का मास्टरमाइंड प्रोफेसर भी मौजूद है। प्रोफेसर का पता ठिकाना जांच एजेंसियां खंगालने में जुटी हैं, जिस कड़ी में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हजारीबाग में जांच एजेंसियों को इस स्कूल का पता चल गया है जहाँ से नीट पेपर की बुकलेट रिलीज हुई है। जांच में पता चला है कि हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से नीट पेपर लीक हुआ। ओएसएस स्कूल में बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ की गई थी। ओएसएस स्कूल को बुकलेट नंबर 613-6488 आवंटित हुई थी। यही बुकलेट नंबर 613-6488 आरोपी अमित आनंद के घर पर जली हुई मिली। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से नीट धांधली के तार जोड़ने के बाद जांच में स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक से पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। इनके साथ स्कूल के टीचर, सुरक्षा कर्मी और परीक्षा के दिन तैनात तमाम कर्मचारियों को भी जांच में शामिल किया जा सकता है। हजारीबाग में पेपर लीक की जांच की आंच एक बैंक तक भी जा पहुंची है, क्योंकि इस बैंक में परीक्षा से पहले पेपर रखे गए थे। जांच एजेंसियां बैंक मैनेजर से पूछताछ के साथ बैंक के सीसीटीवी को भी खंगाल रही हैं। नीट परीक्षा पत्र लीक मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसका तार अब हजारीबाग से भी जुड़ गया है। अगर हम पिछले दिनों की बात कर ले तो देखिए, हजारीबाग का या लोहसिंगना थाना क्षेत्र का ओएसएस स्कूल है, जहां सूत्र बताते हैं कि पिछले दिन जो है पटना से ईओयू की टीम जो है वो यहां पर पहुंची थी और विद्यालय के जो तमाम शिक्षक हैं, इसके अलावा परीक्षा में जो शामिल है जो कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ की गई है। इसके साथ ही जो है हजारीबाग में अन्य परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहां पर भी ईओयू की टीम के द्वारा जो है पूछताछ की गई है। अगर क्वेश्चन पेपर लीक की बात की जाए, जो जो भी साक्ष्य उन्हें जो है वो सबूत प्राप्त हुए हैं, खासकर उनकी जो है वो जांच की बात कही जा रही है। अगर हम सूत्र की माने तो जिस तरीके से लगातार झारखंड और बिहार में इसकी जो जांच चल रही है, इससे कई जो है वो सबूत सामने आ सकते हैं। लेकिन हम बात हजारीबाग की कर रहे हैं, तो जिस तरीके से यह मामला प्रकाश में आया है, हजारीबाग का भी जो है वो नाम जुड़ता नजर आ रहा है, ऐसे में नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में कई चेहरे के नाम आ सकते हैं और ऐसे पर जो है आगे उन पर भी जो है वो कार्रवाई देखी जा सकती है। नीट का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से रांची के सदर थाना क्षेत्र के ब्लू डॉट कुरियर आया था, फिर यहां से हजारीबाग के कुरियर सेंटर पर गया। इसके बाद वहां से पेपर डंप बनाया गया और हजारीबाग के एसबीआई बैंक की शाखा में ले जाया गया था। टीम को शक है कि इसी दौरान कहीं पेपर लीक किया गया था। बैंक से परीक्षा के दिन 5 ऑब्जर्वर नीट का पेपर समय पर लेकर गए थे। जिन 5 स्कूल सेंटर तक ऑब्जर्वर पेपर लेकर गए, उनके नाम भी सामने आए हैं। हजारीबाग का डीएवी स्कूल, होली क्रॉस स्कूल, ओएसएस स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल और विवेकानंद सेंट्रल स्कूल पर नीट का पेपर पहुंचाया गया। जांच में यह भी पता लगा है कि बैंक से सभी ऑब्जर्वर ने परीक्षा केंद्रों पर समय से पेपर पहुंचाया। हालांकि जांच टीम ने परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, ऑब्जर्वर के समक्ष पेपर खोलने और परीक्षा संचालन की भी जानकारी जुटाई है। उधर बिहार में जांच एजेंसियों के हाथ एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। नीट पेपर लीक मामले में अमित आनंद के घर से मिले जले और भीगे प्रश्न पत्र को हवा में सुखाकर उसकी विवरणी तैयार की गई है। प्रश्न पत्र में कौन से सवाल ठीक हालात में और कौन से जले हुए हैं, इसकी डिटेल शिक्षा विभाग को दी गई है। छापेमारी में क्या क्या जब्त किया गया है, उसे भी शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। और आप नीट पेपर लीक का झारखंड कनेक्शन समझिए। हजारीबाग के एक सेंटर से ही पेपर लीक हुआ है, ये बात अब तक सामने आ रही है, क्योंकि पटना में जो बरामद हुए हैं जले हुए पेपर, उससे ये खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो जले हुए प्रश्न पत्र के अवशेष पटना से मिले थे, उसका जो बुकलेट नंबर है, उससे ये बड़ा खुलासा हुआ है।
प्रश्न पत्र में छपे बुकलेट नंबर से यह खुलासा हुआ। बुकलेट नंबर की अगर हम बात करें तो वो है 6136488 और हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से ही प्रश्न पत्र लीक हुए हैं अब तक की खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है। ईओयू को बुकलेट बॉक्स से भी छेड़छाड़ के सबूत मिले थे और जांच के दौरान ईओयू को ओएसएस स्कूल की भूमिका को संदिग्ध पाया गया है। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक जो कि सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं उनसे भी अब पूछताछ की जा रही है। यही नहीं 15 मार्च को आयोजित हुई बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर भी हजारीबाग से ही लीक हुआ था। उस वक्त बीपीएससी TRE3 परीक्षा के लगभग 268 अभ्यर्थियों को हजारीबाग के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया था जिसमें से 113 अभ्यर्थी नालंदा जिले के ही थे और 15 मार्च की परीक्षा से पहले रात में इन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और जवाब याद करवाए गए थे। तब झारखंड पुलिस और बिहार पुलिस ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर अभ्यर्थियों और माफियाओं को धर दबोचा था और एक बार फिर से इस मामले में भी यानी कि नीट पेपर लीक कांड में भी हजारीबाग का ही नाम सामने आ रहा है। बढ़ते हैं